हियर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं और मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल आईडी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट एवर जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन, दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस, जो लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके नाउ प्लीज म्यूट एवरीवन, क्वेश्चन अगर हो तो आप रेज हाथ को मतलब रेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए, है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ठीक, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 135 में। ओके, कंपनी एक्ट 2013 करेक्ट है, अंडर सेक्शन 135। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंटल इशू ऑर्गेनाइज बाय द यूएन इन 1972, 1972 में यूएन के द्वारा, आपको बताना है कि एनवायरमेंटल इशू को लेकर के पहली मेजर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई, इसका नाम बताना है, पहली कौन सी है, सॉरी कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, लॉस एंजलिस कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क समिट, रियो कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कौन सा आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम। ओके, इसको कब लाया गया था, मतलब इसको इस कॉन्फ्रेंस को कब ऑर्गेनाइज किया गया था, आपकी थी बिल्कुल 5 से लेकर 16 जून 1972 में। और रियो कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई, व्हेन दिस रियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, 1992, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जून 3 से लेकर 14 जून तक 1992 में इसको आयोजित किया गया था। ओके, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट, ओके, जो कि इन्वॉल्व को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर पैसेज या पैसेज पढ़ लिया होगा आई थिंक आप सभी ने। ओके, तो जो लोग पहले देख रहे हैं, मतलब पहली बार सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो में समझ रहे हैं, तो पहले हम लोगों को पैसेज पढ़ना होता है, ये बेसिक रूल है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को हमको पहले पढ़ लेते हैं ताकि एक सेकेंड, जैसे कि पैसेज ये दिया गया है, यहाँ पर पैसेज के बारे में पूछा गया, सोशल वर्क के बारे में बताया गया। ओके, और यहाँ पर जो जिसके द्वारा ये पैसेज लिखा गया है वो बेसिकली बता रहा है सोशल वर्कर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब वो प्रैक्टिस करता है। ओके, उसके रिगार्डिंग सोशल, ये आपका पैसेज है, लेकिन कभी कभी हम पैसेज नहीं पढ़ते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्या होता है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया रहेगा, दिमाग में आपके अंदर रहेगा कि बेसिकली क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था, और हमको जब इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर यहाँ हो सकता है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, एक छोटी सी ऐसे देख लेते हैं कि किसके बारे में, जैसे 92 क्वेश्चन है, सो हाउ वुड यू लाइक टू टाइटल, इसका आपको पता है कि टाइटल आपको बताना है, तो आप उसी के अनुसार आप पैसेज को पढ़ेंगे कि कैसे इसका टाइटल निकल के आ जाए, आपके दिमाग में रहेगा कि टाइटल हमको बनाना है तो क्या इसका मतलब है, क्या निकल के आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट हैज नॉट बीन एडवाइज बाय द ऑथर फॉर सोशल वर्कर्स इन पैसेज, पैसेज में सोशल वर्कर को क्या ऑथर के द्वारा एडवाइज नहीं किया गया है, तो आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, तो आप जब पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसेज में जो ऑथर है सोशल वर्कर के लिए क्या क्या बता रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है और क्या एडवाइस नहीं दे रहा है, तो आपके दिमाग में रहेगा थोड़ा सा। ओके, तो जब भी आप पैसेज सॉल्व करें तो पहले कोशिश करना है कि पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेंगे और जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसके आंसर आपके निकलते जाएंगे। ओके, तो अगर डायरेक्ट आंसर होंगे तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा और समझना होगा उसको। ओके, तो ये जो पैसेज है आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पर एक ऑथर जो है सोशल वर्कर को एडवाइस दे रहा है लिख करके कि इनको जब वो प्रैक्टिस करते हैं सोशल वर्क करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग पैसेज तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। सभी ने पैसेज पढ़ा हुआ है ना,
कोई ऐसा तो नहीं जिसने पैसे नहीं पढ़ा? अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पैसेज को पढ़ भी दूंगा, इसका हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद खुद समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये पैसेज पढ़ के आंसर लगाना है। तो कोशिश करिए कि डेली एक दो पैसेज खुद सॉल्व करिए, है ना, और अगर उसमें डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं फिर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर दीजिए। सोशल वर्कर मस्ट पार्टिसिपेट इन फ्रॉड डिसेप्शन रिव्यू एक्नोलेजिंग अदर्स रिफ्लेक्शन। 91। ओके, तो पैसेज को सॉल्व करने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, फिर उसका क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। दूसरा होता है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना। ओके, कि पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके फिर पैसेज में देख करके आंसर निकालते हैं, तो थोड़ा सा ईजी होता है। इसका डी आंसर आ रहा है, मतलब सी डी और ई टी, ये तीनों मस्ट पार्टिसिपेट इन रिव्यू। ओके, बिल्कुल सही लिखा है, पैसेज में लिखा हुआ है कि रिव्यू करना होता है, एक्नोलेजिंग अदर्स, दूसरे को एक्नोलेज करना, दूसरे के नॉलेज को एक्नोलेज करना। ओके, एंड रिफ्लेक्शन, कॉमन सेंस भी हो जाएगा। हाँ, कॉमन सेंस, वैसे भी कॉमन सेंस हो जाएगा। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने इसका एग्जाम दिया था 2019 में, ओके, वहाँ पर इसी प्रकार के पैसेज आए हुए थे कि जो ऐसे इशू थे जो कि करंट में इशू चल रहे होते हैं, राइट, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर के है, या सोशल वर्क को लेकर के, उनके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, एथिक्स क्या क्या होती है, तो फिर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपने पूरा 10 यूनिट थ्योरी पढ़ा हुआ है, आपको पता है, राइट। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप वैसे ही देख पाएंगे कि सोशल वर्कर को दैट मस्ट पार्टिसिपेट इन फ्रॉड में तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, फ्रॉड नहीं होगा तो मतलब आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है डिसेप्शन, तो ये भी नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, एक ही ऑप्शन। तो ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और आंसर लगा सकते हैं। पैसेज बहुत सिंपल आते हैं। ओके, कभी कभी पैसेज पढ़ेंगे तो उसकी इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट होती है, तो आपको लगेगा कि शायद मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। ओके, तो पैसेज की इंग्लिश देख को डरना नहीं है, सी डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है एनीबडी? सोशल वर्क में हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन का, एक्शन रिफ्लेक्शन। एनीबडी, रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि अपने अनुभव, अपने जो एक्सपीरियंस है, उसको रिव्यू करना, समझना, अंडरस्टैंड करना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या उससे पॉजिटिव चेंज आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम एक्शन रिफ्लेक्शन यूज करते हैं सोशल वर्क में। ओके, तो एक्नोलेज करना दूसरे के आइडिया को, दूसरे के नॉलेज को, ओके, और रिव्यू करना, रिफ्लेक्शन करना, हाँ ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ वुड यू लाइक टू टाइटल, अब ये जो पैसेज यहाँ पर दिया है उसका टाइटल क्या हो सकता है आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, एडवाइजरी फॉर सोशल वर्कर्स, सोशल वर्कर को एडवाइजरी जारी की गई है, मतलब उनको बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, या फिर क्रिटिकल अप्रेजल है, और रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म किया गया है, बताइए। पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही सोशल वर्कर को बता रहे हैं कि, और जब सोशल वर्कर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के बारे में अवेयर होना है, कि उसका क्या इम्पैक्ट दूसरों में पड़ सकता है, एडवाइस दे रहे हैं वो। ओके, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ओके, क्रिटिकल अप्रेजल नहीं है, आई थिंक क्रिटिकल अप्रेजल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अनिल कुमार साहू, 92 का सी, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइजरी जिसको सोशल वर्कर को ये जो ऑथर है वो दे रहा है, उनको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ओके, और चूंकि पहली लाइन में लिखा है जो क्रिटिकली असेस, तो ये सोशल वर्कर को बोला जा रहा है कि आपको क्रिटिकली असेस करना है अपनी प्रैक्टिस को। ओके, तो ऑथर बता रहा है सोशल वर्कर को कि जो अपना कामकाज होता है उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको कैसे वो असेस करे, कैसे वो अंडरस्टैंड करे। सो दैट इज काइंड ऑफ सोशल वर्कर एडवाइजरी। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं होगा, कोड ऑफ एथिक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है उनके कामकाज को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर के।
ओके, कोड ऑफ एथिक्स इज द पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें ऑलरेडी बताया गया कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, जैसे कि दूसरे के वर्क है, दूसरे के लिटरेचर है, ओके उसको आपको उसके एक्नोलेज करना है, रिस्पेक्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस में सोशल वर्क एथिक्स को लाना है, फॉलो करना है। तो पहला आंसर करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट हैज नॉट बीन एडवाइज्ड बाय ऑथर फॉर सोशल वर्कर्स इन पैसेज के अंदर ऑथर के द्वारा क्या एडवाइज नहीं किया गया है सोशल वर्कर के लिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बोलिए, टू पार्टिसिपेट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, शिक्षा को आगे बढ़ाना मतलब पार्टिसिपेट करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, तो वो तो होगा ही नहीं। ओके, एंड टू सीक एडवाइस अदर्स, दूसरे के एडवाइस लेना, तो ये भी सही है, तो ये तो आएगा नहीं इसके अंदर। ओके, एंड टू अलाउ सोशल एंड लॉज लीगल प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस। एंड दूसरा देखो बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, अगर केवल इसी पे आपकी नज़र जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे के वर्क को हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो ये तो कभी नहीं बोला होगा सोशल वर्कर ने या ऑथर ने सोशल वर्कर को, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बट टू अलाउ साइको सोशल एंड लीगल प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस, ये भी नहीं बोला है ना। ओके, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। द सर्सरी रीडिंग ऑफ द पैसेज एव अ पैसेज गिव एन इम्प्रेशन दैट, अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, मतलब व्हाट इज द इम्प्रेशन ऑफ दैट। सोशल वर्कर आर इंडल्ज इन अनएथिकल प्रैक्टिस, सोशल वर्कर अलाउ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सोशल वर्कर डू नॉट टेक प्लैगियरिज्म वेरी सीरियसली। आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लगा ये क्या हो रहा है, वो जो ऑथर है वो सोशल वर्कर को एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस क्यों दे रहा है, उसके पीछे रीजन होगा कुछ। नाइनटी फोर का सी, इसका मतलब एबीसी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल वर्कर अगर इन अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे, ओके, या फिर किसी प्रकार से जो प्लैगरिज्म है उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, या अपने वर्क में अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको लाना, बीच में इन्वॉल्व करना, इसकी वजह से उसको काइंड ऑफ एडवाइस दी जा रही है कि उनको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो नहीं करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क इन द प्रोफेशन। तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सोशल वर्कर मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन देयर वन प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को लगातार उसको एग्जामिन करना चाहिए, जैसे कि एक डॉक्टर करता है। ओके, एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैज नो लिमिट, इसके कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बताइए क्या करेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही आपको कॉमन सेंस यूज करके लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है पैसेज को तो भी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दीजिए, 95 का ए। अच्छा, एक कैसे होगा, एक का मतलब दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट तो नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कोई भी प्रैक्टिस हो, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, उसकी एक बाउंड्री होती है। देखिए सोशल वर्क का भी स्कोप होता है ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, ओके, लीगल वर्क है, प्रोग्राम बनाना, तो जो प्रोफेशनल होंगे उनकी एक लिमिट होती है, उनको नॉलेज होता है, स्किल्स होता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का, किसी एक फील्ड का। जैसे डॉक्टर होता है तो सर्जन अलग होता है, राइट, और जो अदर डॉक्टर होते हैं, कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, अलग अलग प्रोफेशनल होते हैं, तो उनकी एक लिमिट होती है, उनका एक स्कोप होता है, उस एरिया में काम कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैज लिमिट, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सोशल वर्कर मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन देयर वन प्रैक्टिस, ये करेक्ट है। ओके, तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये 95 तक हो गया, उसके बाद 96 के बाद ये क्वेश्चन, इसको हम लोग उसमें पोल में डाल देंगे, पांचों क्वेश्चन पोल से, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना।
ओके 96 से लेके 100 तक, या फिर अभी यही सॉल्व करना है तो यहाँ कर सकते हैं। थ्योरी इज द सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, पहला स्टेटमेंट ने, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, अ बॉडी ऑफ थ्योरी इज फंडामेंटल टू एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के लिए जो मूलभूत जो होता है, फंडामेंटल होता है, थ्योरी होती है। ओके एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, सोशल सर्विस का कोई लिमिट नहीं होता है, बट सोशल वर्क का लिमिट होता है। ओके और प्रोफेशनल की हम जब बात करेंगे, मतलब आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर वही होता है जिसको नॉलेज होता है अपने फील्ड का, उसको अपनी लिमिट पता होती है कि हम किस हद तक जो है, इसी वजह से जो रेफरल का कंसेप्ट आया है ना, रेफर हम क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए एक सोशल वर्कर ही सब कुछ कर रहेगा तो रेफर ही क्यों करेगा, इसी वजह से रेफर करता है कि उसको पता है हमारी लिमिटेशन कि हम इस हद तक हम हेल्प कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर कर देते हैं उस क्लाइंट को। ओके तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपके दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, ओके प्रिपरेशन फॉर द प्रोफेशन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल टेक्निकल, बताइए। ये पैसेज आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट उसमें एक लाइन लिखी हुई है जहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके उसमें लिखा हुआ प्रिपरेशन फॉर द प्रोफेशनल मस्ट बी वेरी इंटेलेक्चुअल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों, ए बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल उसमें नहीं लिखा है, आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां पर टेक्निकल की कोई बात नहीं की गई है तो ये नहीं होगा। ओके तो कुछ क्वेश्चन में आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा तभी आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली कभी कभी पैसेज के अंदर जो लाइन होती है ना, सेंटेंस जो होते हैं वो क्लियरली आंसर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है ना, प्रिपरेशन फॉर द प्रोफेशन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर प्रोफेशनल स्किल, स्किल रिक्वायर मास्टरी ऑफ द थ्योरी, स्किल्स कम फ्रॉम द प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी, प्रिपरेशन ऑफ स्किल्स मस्ट बी इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल। बताइए 98 का, देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है, बी स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी, तो ऐसा नहीं है ना, थ्योरी तो होगी ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए फंडामेंटल बेस जिसके आधार पर आप स्किल डेवलप करेंगे। ओके तो बी नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा तो मतलब बी जहां जहां पर है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, एक ही ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके वैसे भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाएं, कभी कभी क्वेश्चन आपको हो सकता है समझ में ना आए लेकिन ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं आप। ओके एलिमिनेशन जो मेथड है बहुत अच्छा होता है, दो चार मार्क्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 99, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन इज बॉडी ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुपीरियर स्किल्स और ट्रेनिंग, प्रोफेशन की विशेषता यहाँ पर पूछी जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लिए क्या जरूरत होता है। स्किल्स की जरूरत होती है लेकिन स्किल्स कम फ्रॉम द थ्योरी ना, वी शुड हैव सम नॉलेज, वी शुड हैव सम थ्योरी ना, देन वी कैन डेवलप द स्किल्स। ओके नहीं नहीं एक्सपीरियंस दैट इज डिफरेंट थिंग, एक्सपीरियंस तो बाद में आता है। ओके बॉडी ऑफ थ्योरी शुड बी देयर, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है। और जिन लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं पैसेज के तो वो कोई बात नहीं, अब शुरुआत में होता है, आप दो चार पैसेज करेंगे डेली करेंगे तो सही होने लगेंगे धीरे धीरे। और जैसे मान लीजिए दो पैसेज दिए गए उसमें एक आध क्वेश्चन गलत हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा यही सोच के चलेंगे कि मेरा सभी के सभी सही होंगे। ओके कोशिश करना है सभी सही हो लेकिन कभी एक आध में मिस्टेक हो सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 100, मैंने जब एग्जाम दिया था पेपर वन में जो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स मेरे 5 क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे और मुझे लगता था कि मैथमेटिक्स मेरा गलत नहीं होगा एक भी। ओके तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो टॉपिक में पढ़ के नहीं गया था या जिसको कम आता था उसके सभी क्वेश्चन करेक्ट हो गए,
तो ऑन एन एवरेज मिल जाता है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आ ही जाते हैं, कहीं से गलत हो जाता है कहीं सही हो जाता है क्वेश्चन। पोलिंग के साथ डाल दीजिए, हाँ ठीक है ओके, उसको ग्रुप में डाल देंगे पैसेज को। ओके तो आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है ओके, इससे क्योंकि आप टॉपिक छोड़ेंगे तो वो उस टॉपिक के क्वेश्चन जो आएंगे वो कर नहीं पाएंगे आप एग्जाम में, तो आपके वो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सब कुछ पढ़ के जाना है, हो सकता है कि जो टॉपिक आपको ना आता हो उसके बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देंगे। राइट, थ्योरी हेल्प द प्रोफेशनल्स टू टेक डिसीजन इन द कंक्रीट सिचुएशन। ओके ठीक है, एंड प्रैक्टिकल स्किल्स हैव प्राइमेसी एज प्रोफेशंस आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों गलत है क्या इसमें कोई? प्रैक्टिकल स्किल्स हैव द प्राइमेसी एज प्रोफेशंस आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक तो है, करेक्ट है। ओके दोनों ही करेक्ट है। ओके ओके ओके, सो इज इट समथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत है क्या? प्राइमेसी इज इक्वल टू फैक्ट, प्रैक्टिकल स्किल्स हैज प्राइमेसी एज प्रोफेशंस आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके इसका जो है पैसेज एक बार देखना होगा उसमें क्या लिखा है इसमें। आई थिंक ये तो करेक्ट है, इज इट रॉन्ग समथिंग? वन सेकेंड, थ्योरी यूजेस टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन टू डिस्क्राइब इन न्यू टर्म्स। ओके इसको एक बार पैसेज को पढ़ लेना, आई थिंक ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है करेक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पैसेज को तो आइडिया होगा, अनिल कुमार साहू। ओके एक बार इसको देख लेना है ना, गलत नहीं होगा, यही आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपका ये पेपर जो है कंप्लीट होता है। ओके और बाकी इसका एक पेपर और है ना, दो बार हुआ था बीच में गैप था, दूसरे पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ओके अब कोशिश करेंगे कि एक दिन में 25 क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि 4 दिन के अंदर आपका एक पेपर सॉल्व हो जाए, है ना? ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है और फिर संडे सैटरडे को ऑफ रहता है तो फिर ऐसे एक हफ्ते में एक ही पेपर सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, तो टाइम कम है हमारे पास। ओके और बीच में थ्योरी भी डिस्कस करनी है किसी दिन, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट 25 क्वेश्चन पर डे। ओके और चूंकि उसमें हम पैसेज अब करेंगे नहीं दोबारा, अगर कोई डाउट रहेगा तब पूछ लेना, अदरवाइज 10 क्वेश्चन यहाँ से हट जाएंगे तो आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप 3 दिन में या ऐसे करके कुछ करके हम लोग 3-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे एक पेपर। ओके हाँ, और जो मैंने बताया था आपको कि 2014 2012-13 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके उनको सॉल्व करिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, ग्रुप में फोटो भेज दीजिए उसका, जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ साथ, बाकी 5 साल के डिस्कस हम लोग करेंगे पेपर। ठीक है, पैसेज को टेलीग्राम में सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है, जो भी पैसेज रहेगा उसको टेलीग्राम में डालेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, गुड नाइट एवरीबडी। 3 डबल कवर, 30 क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। सो अगर आप लोग क्वेश्चन को करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे, थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा तो हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके और कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड में और जल्दी करने का, है तीस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हाँ तीस करेंगे तो 3 दिन में आपका एक पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सर अगले दिन कौन सा? अगले दिन इसी का, ये आपका 2021 के 2 पेपर हुए थे ना, पहला वाला सेट ये है, और कुछ स्टूडेंट का इसके साथ नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सब उस टाइम पे साइक्लोन आया हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट का बाद में एग्जाम हुआ था, तो वो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे कल से। ओके उसका क्वेश्चन, हाँ उसका क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ेगा, पीपीटी बनाएंगे, अभी फिलहाल उसका पीपीटी नहीं है मेरे पास, तो मैं उसका पीपीटी बनाऊंगा और फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, ओके सर जो लास्ट में हुआ है था, हाँ जो लास्ट में हुआ था ना 2022 वाला, हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का लास्ट में हुआ था, सेम डे को नहीं हो पाया था। ओके गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. गुड नाइट.